हरियाणा के करनाल में कल पुलिस वालों किसानों के उत्ते लाठीचार्ज किया गया तो वड्डी गिनती में किसान उस दौरान जख्मी होए। जिस तो बाद गल की जाए तो गुस्से की लहर किसानों के दौड़ी सी, अज की गल की जाए तो पंजाब दे विच भी अज उस तरीके थां थां ते जाम लगाए जा रहे हैं। 12 से 2 बजे तक का समा जो है वह निर्धारित किया गया है, जिसके तहत जेकर गल की जाए असं इस वक्त खड़े हाँ बठिंडा श्री अमृतसर नैशनल हाईवे पर। तुम्हें तस्वीर दिखा देने पहले कि जाम इतने लग्या हुआ है, लोग जो ने वापस मुड़ रहे हैं क्योंकि जाम का रस्ता इतने कित भी दिखाई नहीं दे रहा। फरीदकोट के विशेष तौर पर गल करिए चारे पास जो रस्ते आते हैं इन्हें जाम लगाए गए हैं। जो जिन्हों ने भी अपने अपने घरों जाना सी, अपने रस्तों जाना सी, वो लोग तुम्हें वापस ही जाते हुए दिखाई देने। कारा जो ने वापस मुड़ रही ने, लोग जो ने कितना कितने सीधे तौर पर परेशान भी हो रहे हैं। पर दूजे पास किसानों वालों जिस अधिकारी ने इस कार्रवाई के हुक्म दिए थे करनाल उसके खिलाफ जो है कार्रवाई के मांग को लेकर ये लोग खड़े ने। देख सकते हो कि जाम इतने लग्या होया है, किसान जो ने लगातार डटे हुए ने। तो इस वक्त गल करिए इस पास तुम तस्वीर दिखा दें, जो एक पुल हैगा नैशनल हाईवे का जिथे कि इस वक्त किसान जो ने वड्डी गिनती में इकट्ठा ने। तस्वीर तुम इस वक्त देख रहे हो, ये पुल के नीचे दी तस्वीर ने, उपरले रस्ते जो ने तमाम दोनों तरीके दे दोनों पासे जो ने वो बंद ने। दूजे पासे गल की जाए इस वक्त तुम देख सकते हो गड्डिया जो है लंबी कतारा गड्डिया दी लगनिया शुरू ने, लोग जो ने कितना कितने सीधे तौर पर वड्डी गिनती परेशानी तो लगते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। इस वक्त इतने जो लोग मौजूद ने गलबात जो किसान ने इतने उन्होंने नाल भी करांगे कि आखिरकार किस तरीके की वो मंग करते हैं, की कुछ मंगा ने जिन्होंने लैके अज का यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। भाई जी की नाम जी तुहाडा? गुरसाहिब सिंह जी। गुरसाहिब जी, कल हरियाणा में बहुत वड्डी कार्रवाई हुई, पुलिस वालों कार्रवाई की गई, अज का किस तरीके का प्रोग्राम है तुहाडा? अज उस रोस में असी बहुत मंदभागी खबर है जी, उन्होंने पुलिस ने धक्का किया साढ़े किसान रोस के असी खड़े हैं जी, धरना लाया सड़कों से नहीं लंघन देवे 2 घंटे जमा जाम करके रखा जी शहर में फरीदकोट में। जो किसान मोर्चा शुरू होता उदो भी हरियाणा में लंघे, तुम आप सारा कुछ वेख्या, अज मुड़ तो उ तस्वीर दोहराई जा रही है? हाँ जी, बहुत इन्हें जाले जी हरियाणा ने, खट्टर सरकार ने बहुत गंदा है, पर किसानों ने फिर भी परवाह मनी, उन्होंने साढ़े तो गोले भी सीटे, साढ़े उन्होंने सूए भी मारे, पर साडे किसान भरा फिर भी गए तो पर असी डरते नहीं उन्होंने, जिन्ना चक्कर अंदोलन चलूगा असी उन्ना चक्कर उसे दिल्ली रहेंगे जी। लगता नहीं सरकार की कोशिश है कि तुम्हारा हौसला तुड़ा जाए, क्योंकि इस दौरान मोर्चा दूजे पास मोर्चा चल दूजे पास किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं? असी जी जिन्ना चक्कर काले कूण रद्द नहीं करते उन्ना चक्कर असी मोर्चा लाई रखांगे, असी पिछे नहीं हटते, पवे कि चर मर्जी रद्द ना करना असं उन्होंने चक्कर उत्थे बैठे धरना लाई रखांगे जी। बिल्कुल, तो ये लगातार डटे हुए हैं तो मांग की जा रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो जिन्ना चर ये लोग मोर्चा चलेगा उस दौरान ये लोग लगातार प्रोटेस्ट जो है करते रहेंगे। तो फिलहाल की गल करिए इतने जो प्रधान साहब ने बिंदर जी साढ़े मौजूद ने, बिंदर जी अज का प्रोटेस्ट की गल कर लो छोटी जी, आप कि किस तरीके का प्रोटेस्ट है, कि कुछ साहब से फुल पाउन जाने देख लो फुल लैके चले है, टपा दो टपा दो टपा दो टपा दो। कोई व्यक्ति जो फुल लैके जा रहे थे उन्होंने टपाने के इतने इन्होंने हिदायत की कि टपा दिता जाए। प्रधान जी अज का प्रोटेस्ट विशेष तौर पर मजबूर हो गए करने वास्ते? मजबूर आ, देखो जी जदों साडे किसानां दे सिर पाटे आ करनाल दी घटना, सारे ने अपने वीडियो देख लिया है, सारे ने उन्होंने नैट पर देख लिया है, सारा कुछ देख लिया किन्ने लोगों के सिर पाटे, किन्ना लोग जख्मी हुए है। एक शांतमई संघर्ष के उत्ते उन्होंने एस डी एम ने एक हुक्म दे के उन्होंने डांगा वरसाइया है, सो उस विरोध के संयुक्त मोर्चे ने जोड़ा है अज तो 12 से 2 जो प्रोग्राम जो दिता है, सो विरोध के सारा प्रोग्राम जो किया जा रहा। कि मार्ग बंद किए गए अब विशेष तौर पर डोडी है सर जो असं इतने रख लिया इतने अपने वेख जो टहने भी है, होर साढ़े जो पहला उधर सादक वाले पास भी है, उधर गोले वाले साइड पर भी है, कई थाई जो है असं रोडा जो जाम कितिया गया, सो असं इतने प्रोग्राम जो है इसे इतने रख लिया हुआ। लगातार डेडलॉक लग्या हुआ है किसानों का, उम्मीद से कितना कि दोबारा गलबात शुरू हो सकती है, पर इस घटना ने मुड़ तो किसानों को उस जगह पर लै खड़ा करता जिते कि पहले दिन खड़े थे। देखो मीटिंग ज सू बुलावे की तो असं ज़्यादा उम्मीद नहीं करते गए, क्योंकि बुलावा तो असं सोचिए भी जो असी 11 मीटिंगा साड़िया हो चुकी हैं, सारा कुछ अभी दसता स्पष्ट करता है, साड़ी डिमांड ही एक हैगी है भी साडा जो 3 कानून रद्द किए जाए, बस असी असं चाहते नहीं भी सानू साढ़े नाल बिठाउन साडे संयुक्त मोर्चे वो ऐलान कर देन 3 काले कानून रद्द करन दा, बस खत्म है कम, क्योंकि सारा कुछ दस्या जा चुका ना, सारी चर्चा तो हो चुकी है, सारा पता लग चुका, सारा समझ चुकी है सरकार भी किसानों मीटिंग करके या इस तरह नहीं दबाया जा सकता, इस तरह उन्होंने झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सारे जानकार है, बड़े पढ़े लिखे साढ़े जो लीडर है, सारा कुछ दस्या होया, बस कानून रद्द कर देन मीटिंग तो असं की लेना है। हरियाणा सीएम का कल एक होर बयान आता पूरे मामले पर, वो कहते हैं कि
पहले किसानों वालों पुलिस के उत्ते पत्थरबाजी की गई कदे भी देखिए सारी प्लान से सारी गल सामने आ गई है। एक सरकार का प्लान बनाया हुआ क्योंकि बड़े हथ कंडे वरते है सरकार ने भी इन संघर्ष को तोड़िया जा सके इसको दबाया जा सके इसको खदेड़िया जा सके पर कोई भी 9 महीने के कोई भी उन्होंने रास्ते राह जोड़ा है हथ राह नहीं लगा गा। सो उन्होंने एक ने एक सिस्टम बनाया उन्होंने सोचा भी दबा के कुट के इस एक थान कुट दो किसान थोड़े है बाद जो सारे किसान डर जाएंगे जोड़े उत्तर बार्डर है वो खाली हो जाएंगे साड़ा जो सोच है मन की हैगी है वो पूरी हो जाऊगी। पर इस तरह नहीं होंगे जब किसी दबाया जाता ना जब इस तरह किया जाता होर वाधा रोस होर वाधा है लोग होर जुड़ते हैं सो ये गल्ला छड़ के सरकार जिहड़ियां हैगियां दबाउण दियां कुट्टण मार दियां। और नाल ही मैं बेनती करूँगा भी SDM जिन्हें हुक्म दिता है उन्होंने बर्खास्त करके वो 307 का परचा क्योंकि उन्होंने मारन की कोशिश की है जिन्हें लोगों ने एक कारोबार किया जो पुलिस वाले है जैसे SDM है सारे के परचे दर्ज होने चाहिए है और सरकार को सोचना चाहिए सोचना चाहिए कदे भी इस तरह दबाया नहीं जाना ये इस पास छड़ के ख्याल में जो वो चाहती है साडा नुकसान हो रहा है असं खत्म हो जावे बिल्कुल साडा नामो निशान भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचती है कि संघर्ष ने भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान खत्म कर देना है उन्होंने खत्म कर देना देश के बच्चों जे सोचती कुछ माड़ा मोटा उन्हें बचा रहना तो 3 करोड़ रद्द करके सानू घरे भेजे तो आपका जो करना करे। प्रधान साहब मेरा आखिरी सवाल है कल हरियाणा के CM नू लैके पंजाब के मुख्यमंत्री साहब बयान देंदे ने कि उन्होंने इस बारे सोचण अते नीता नतीजे जो है इस इलैक्शन में माड़े होणगे ते दूजे पासे श्री अमृतसर साहब विच भी पंजाब सरकार भी उस तरीके की कार्रवाई नू अंजाम दिंदी है तो की लगता है कैप्टन साहब सही कह रहे हैं दूरी नीति नहीं अपनानी चाहिए अंदरला जिहड़ा मन का मनोबल हैगा अंदरों की कहने हैगे असीं किसे नूं माड़ा कि आप उही कुछ करिए नहीं सोचना चाहिए। मैं कहूँगा चाहे सरकार है चाहे कोई आपोजिट पार्टी बिना सरकार तो पंजाब की गल करिए बाहर कोई भी सियासी पार्टी यह नहीं चाहती कि संघर्ष जितया जाए क्योंकि सोचदियां भी जो संघर्ष जितेगा लोग जागृत होंगे है कदे भी सानू बोलन नहीं देना कदे भी सानू पिंडां विच आउण नहीं देना ये आपकी गल साडे ते सवाल करनगे इन्हां गल्लां तों डरदे होए लोग सियासी पार्टियां नहीं चाहुंदियां पर गलत सोचना है क्योंकि जो सरकारां बनदियां वह बनदियां ना लोगों राही सो इन्हां लोगों का भला सोचो इन्हां दियां जिहड़ियां भावनावां नूं समझो क्योंकि जिहड़ा अंदरला अंदरलियां अरदासां ना जिहड़ा दा माड़ा सोचूगा संघर्ष का कदे भी बच नहीं सकता क्योंकि लोगों का संघर्ष है लोगों की रोटी का सवाल है लोगों के ढिड का सवाल है हर बंदे हर इंसान का हर बंदा रोटी खा के सौंदा हर कोई इसकी लोड़ है सो गलत भावना मन चो कढ के सही भावना बना के ते जितना चाहिए अज के प्रोटेस्ट दी अज का प्रोटेस्ट तुसी वेख रहे हो तस्वीर तो दूजे पासे गल की जा रही है कि जो कल पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने बयान दिता सीगा एक कि खट्टर सरकार जो है इस बारे सोचे नहीं तो इलैक्शन में नतीजे जो है माड़े आ सकते हैं तो उस भी इन्होंने कहा कि सरकार जो है दोहरी नीति ना अपनावे और सीधे तौर पर जो उन्होंने मंग है उस वाल ध्यान दिता जाए। हालांकि आदेश की गल की जाए तो जिस अधिकारी ने आदेश दिए थे दसा जा रहा है कि उन्होंने जो है इंक्वायरी जो है हरियाणा सरकार ने लगाई है उन्होंने उत्ते फिलहाल देखते हैं कि इंक्वायरी में कुछ निकल गया पर जो वीडियो सामने आई थी जिस विच कि सीधे तौर पर किसानों के सिर तक पड़न की गल कही जा रही थी उसको लेके हरियाणा सरकार की चारे पासे वड्डे लैवल से किरकिरी हुई है। फरीदकोट तो कैमरा पर्सन राजेश बागड़ी के सूरज प्रकाश दैनिक सवेरा TV। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है मेरे किते नू कोई कट नहीं सकदा काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं परेशानी जिवें लव मैरिज पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस बुरे सपने विदेश यात्रा बुरी संगत जां नशा छुड़ाना बीमारी च दवा ना लगना वशीकरण एक सच्चाई है वशीकरण करवाओ मन चाह प्यार पाओ की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं सच्चाई जानो लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी जकेड़े तो बाहर है तुरंत संपर्क करो तो हड्डी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो जिवे चाहोगे ओवे होएगा इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल वशीकरण अते मुठ करनी लव मैरिज सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चनबन जां दुटोना मनमोहणी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ रुसे नूं मनाओ हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।